देखिए जी, फरवरी का मौसम है, यहाँ एक से नहीं दो दो से काम चलाना पड़ता है क्योंकि रोमांटिक सा महीना शुरू हो गया है ना। फीवर 104 FM पर मैं हूँ आरजे उर्मिन, आपके साथ ऑन अ वंडरफुल वीकेंड फीवर अनप्लग्ड, जहाँ आज जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि मेरे साथ एक नहीं दो दो कलाकार है। अब इन दोनों की तारीफ में मैं क्या कहूँ। सबसे पहले हमारी जो पहली आर्टिस्ट है, इनसे आप मिल चुके हैं, इनसे आप रूबरू हो चुके हैं, क्योंकि हर संडे ये रात 9 बजे अपने बैंड के साथ लेकर आती है गजलर्स, द स्पिरिट ऑफ गजल्स। जी हाँ, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट श्रुति पाठक। हाय श्रुति। हेलो अर्मिन। एंड ऑल्सो आई हैव विद मी अनदर फैबुलस सिंगर, जो हाल ही में लेकर हम दीवाना दिल के दो बढ़िया गानों से काफी शाइनिंग मारने लग गए हैं, हृदय घटानी। हाय हृदय, हाउ आर यू? Hi Armin, so nice to be here. So the two of you all have come together. हमारे listeners को बता दो कि हाल ही में इनका एक brand new single आया है, which is a mixture of Bruno Mars, जिनका गाना है Nothing on You and Chaap Tilak. अब इस गाने को हम सुनने वाले हैं, लेकिन before that थोड़ा माहौल बनाते हैं। हृदय, I'm gonna start off with you. की श्रुति तो हमारी अपनी है, लेकर हम दीवाना दिल का एक खूबसूरत गाना रहमान जी के साथ आपको मिलता है। You've always worked with रहमान जी, you've been a part of his institute too, right? Yes, तो I think मुझे अर्ली एज पे चांस मिला उनके साथ काम करने का, एंड इट्स बीन अ लवली एक्सपीरियंस ऑलवेज विद हिम। आई एम जस्ट ब्लेस्ड दैट ये मौका मिला है मुझे। क्या बात है, क्या बात है। तो जब आप ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो यू नर्वस कि कहीं मेरे से कुछ गलती ना हो जाए? एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली नर्वस है, और बेस्ट पार्ट ये था कि एक्चुअली पहले शाइनिंग रिकॉर्ड हुआ था, टू शाइनिंग, पर रहमान सर बैठे नहीं थे रिकॉर्डिंग में, सो सम वन ऑफ हिज इंजीनियर्स टुक द सेशन और वो खत्म हो गया एंड ही लाइक्ड इट, तो लकीली मैं वहां बच गया। पर मालूम उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया तो काफी मेरे लिए बहुत, आई वॉज वेरी नर्वस थ्रू द एंटायर सॉन्ग, बट आई थिंक ही इज क्वाइट यू नो फन पर्सन, बहुत मस्ती भी कर लेते हैं, ही इज क्वाइट स्ट्रिक्ट ऑल्सो बट मस्ती भी काफी कर लेते हैं। एक्चुअली वो गाना ही ऐसा है कि फर्स्ट शॉट में ही मुझे When I was learning the song, I got so attached to it so fast, and it's got such a beautiful melody ki गाते वक्त मजा आ रहा था, तो that's why I think it flew very easily. And it is not a normal song, you know, क्योंकि हर गाने में श्रुति, correct me if I'm wrong, अंतरा मुखड़ा समझ में आता है कि इसका ट्यून ऐसा ही होगा, लेकिन ये गाना एक ऐसा है जो शुरू एक हाई पर होता है, फिर बीच में कुछ आता है, फिर ब्रिज आ रहा है, फिर कुछ हो रहा है, फिर जॉनिता सडनली एंटर करती है। But I think that's the USP of रहमान सर's compositions. His compositions are something that keeps growing on you every time you hear. बिल्कुल बिल्कुल. I think the perfect line for him is expect the unexpected. Absolutely. तो फिलहाल तो we expect this lovely song आपकी आवाज में प्लीज हो जाए हृदय, एंड I'd like to tell you कि जितना गाना चाहते हैं हम गा सकते हैं, हम यहाँ पर बस आराम से बैठ रहे हैं, so this is the fever unplugged feel that we give to our artist. Feel free to enjoy it. पैसा वैसा क्या पता, कौन कैसा क्या पता, जिंदा हूँ आज मैं, इससे ज्यादा क्या पता, मेरा तो जमाने से लेना देना ही नहीं, यार गुस्ताखी माफ इतना ही मालूम, जिस पे भी तू साथ हो बस इतना ही मालूम, यकीन है वही है मेरी मंजिल का रास्ता, मेरी मंजिल का रास्ता, तारे क्यों ये भला है तोड़ते क्या पता, तारे मिल भी गए तो तू करेगी भी क्या, मैं कह रूं मामूली कर तब दिखा करके साबित करूं, बोले क्या क्या है तू मेरे लिए, सीधे साधे से लफ्जों में सुन ले जरा, इतना ही मालूम
थैंक यू गाइस, लवली लवली। वी वर अनप्लग पर आज एक नहीं दो दो सिंगर्स की बातें और उनके अनप्लग गाने हम एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूँ आरजी उर्मिन आपके साथ और मेरे साथ आज शो पर है हृदय घटानी एंड श्रुति पाठक। तो थोड़ी देर पहले हमने लेकर हम दीवाना दिल का एक फैबुलस गाना एंजॉय किया। श्रुति अब टारगेट हो तुम हाय 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 यार आपसे मैंने पहले भी बात की है ऑन माय शो एंड वी हैव डन अ प्रॉपर स्ट्रेच ऑफ ऑल योर सॉन्ग्स। एक गाना रह गया एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड क्योंकि वो गाना बाद में आया ना। मतलब दिल डफर जो गाना हमने एंजॉय करा था उसी ऑन दो सेम लाइंस द सेम ग्रूव कम्स दिस लवली नंबर नोन एज हसीना तू कमीना मैं। यस, और गाया भी एक हसीन लड़की ने है। वाह जी, शुक्रिया। सचिन जिगर के म्यूजिक पर क्या कहेंगी? आई थिंक दिस वाज आई हैव नोन देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दे बीन लाइक ग्रेट फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, पर ये पहला मौका था जब हम लोगों ने साथ में काम किया। अच्छा, ये जो कविता हम लोगों ने सुबह 8 बजे रिकॉर्ड की थी, तो इमेजिन लाइक उठ के सीधा अब मैं इमेजिन कर रही हूँ कोई आपको उठा रहा था और आपने कहा होगा कि क्या कमीना है फिर गाना निकला कि हसीना तू कमीना मैं। हाँ, तो ऐसे ही कुछ हुआ था और ये सुबह 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 9 बजे तो मतलब ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था। ओके, तो ये खर्च का रियाज का कमाल है। वाह वाह वाह, और क्या कमाल है। तो गानों के लिरिक्स के बारे में आपने बताया, अमिताभ भट्टाचार्य वंडरफुल, इससे पहले भी अमिताभ ने आपके लिए कोई, अमिताभ के लिए के साथ भी ये मेरा पहला गाना है फॉर अ फिल्म। But as I said, like, you know, we've all been great friends. And like I said, you know, the February month is all about love. जितने भी लड़के एक खूबसूरत लड़की को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गाना उनके लिए absolutely fit करेगा। और ये उन लड़कियों के लिए भी है जो दिल शायद देना नहीं चाहती कि देना चाहती, बैंडेड लगाना चाहती हैं। अच्छा, उनके लिए भी है। तो there's a version that I've made for this song. It's the acapella version of हसीना तू कमीना में, जिसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। This is for those girls. क्या बात है? Mentioned about. So this is why you say हसीना मैं कमीना तू, हसीना मैं कमीना तू। वाह, ये भी अच्छा है। तो आज अब कौन सा गाना वर्जन आप सुनाने वाली हैं हमें? Obviously the latter one. Well, let's listen to it. कमीना तू हसीना मैं, कमीना तू हसीना मैं, कमीना तू हसीना मैं, कमीना तू हसीना मैं, देखे तुझ दे हर एक मोड़ पर नजर आए कीमती नगीना, एक बेमगर ठहर तक इधर तू ऐसा कैसे ना कमीना, ओ इतना बुरा भी नहीं है कमीना अगर पहचान ले जे तू, कमीना तू हसीना मैं, कमीना तू हसीना मैं, है मौसम तू महीना मैं, कमीना तू हसीना मैं। वाह वाह वाह। इन केस यू वंडरिंग कि मैंने शुरुआत में कहा कि दो कलाकार हमारे साथ है, गिटार पर हमारे हृदय है, हृदय ये भी तो लगना चाहिए ना, क्या कुछ भी बोलती है, तो है कब से आवाज। आज का ये खास शो आपको कैसा लग रहा है जरूर फेसबुक या फिर ट्विटर पर आरजे उर्मिन के नाम से अपनी बातें छोड़ जाए। यू कैन ऑल्सो ट्वीट अबाउट इट टू आर आर्टिस्ट जिनका ट्विटर हैंडल है श्रुति पाठक 9 एंड हृदय जी। जी हाँ, और ये दोनों ही हमारे साथ है, हृदय घटानी श्रुति पाठक विद अस ऑफ कोर्स। अच्छा, अब मैं हृदय आपसे पूछना चाहूंगी, म्यूजिक से आपकी मुलाकात कैसे हुई? मेरे घर पे नोबडी वाज अ म्यूजिशियन एज सच, बट सब गान, आई मीन दे वर वेरी एविड लिसनर्स ऑफ म्यूजिक। आल्सो डैड इज इन द इंडस्ट्री और वो लाइव एंटरटेनमेंट में डायरेक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो अप फ्रंट रिहर्सल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक बी इट दलेर मेहंदी जी, आशा मैम, रहमान सर, सबके शोज एंड वेरियस मोर, तो आई थिंक तब से ही मुझे एक कीड़ा था कहीं से कि यही करना है। और मेजरली मेरा कीड़ा वो था कि मुझे परफॉर्म करना है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मैं सिंगर बनूंगा या नहीं, बट मुझे याद है कि मैं माइकल जैक्सन के शोज देखता था और वेरियस बहुत सारे आर्टिस्ट के, और मैं हमारे कॉरिडोर में नी स्लाइड्स करता था गिटार, फेक प्लास्टिक गिटार के साथ, और मैं बहुत ऐसे स्टाइल मारने की कोशिश करता था। तो आई थिंक दैट वाज मेजरली इट, मुझे ऑलवेज एक परफॉर्मर बनना था, सिंगर बाद में। एंड आई थिंक दिस इज अ लाइफ दैट श्रुति लिव्स, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट दैट श्रुति डज सो मेनी शोज। तो परफॉर्मेंस के वक्त क्या फीलिंग आती है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रिकॉर्डिंग इट इन अ स्टूडियो? आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स द टू हैज नो nothing to do with each other. Recording in a studio is a complete, it's a different kind of high.
यू स्पेंडिंग सो मच टाइम विद द सॉन्ग. और जब लाइव में आप वही गाना गाते हैं, इट्स इन द मोमेंट एट द सेम टाइम यू इंटरैक्टिंग विद मिलियंस राइट डायरेक्टली एब्सोल्युटली एंड दैट एनर्जी इज समथिंग एल्स. लाइक यू कैन फील द एनर्जी व्हाइल यू आर ऑन स्टेज एंड आई थिंक स्टेज इज अ प्लेस. क्या बात है हृदय. डिड यू गेट अ चांस टू डू शोज यू नो आफ्टर लेकर हम? आई मीन आई थिंक आई गॉट अ चांस टू डू शोज बिफोर लेकर हम. अरे वाह. एंड आई थिंक मेरा पहला शो जो लकीली रहमान सर के साथ आई गॉट टू डू शोज एंड my first show was at Eden Gardens with a crowd of 70 I think 60 to 70,000 people. Wow. Or I think main matlab mujhe kuch aur hi feeling aayi. I just went up there और मुझे लगा कि मैं घर पे आ गया हूँ. आई थिंक मैंने कभी ऐसे स्टूडियो पे भी लिखा होगा. आई फील वेरी कंफर्टेबल ऑन स्टेज. क्या बात है. तो आई लव स्टेज. लवली रवि. तो रहमान जी का तो हम एक और गाना एंजॉय करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी आपको एक कवर वर्जन कोई हमारे लिए प्ले करना होता आप दोनों को एक अलग स्टाइल में, तो वो कौन सा होगा? आई थिंक हमने दो अमिताभ भट्टाचार्य के गाने गा लिए, तो आई थिंक तीसरा भी गा ही लेते. अच्छा. क्या बात है. करेक्ट. which is आई थिंक राप्ता फ्रॉम एजेंट विनोद हो जाए. प्रीतम दा के कॉम्पोजिशन पर अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स एंड विद द ट्विस्ट ऑफ श्रुति पाठक एंड हृदय घटानी. मेहर पानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सालम एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला. कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए, तेरा मेरा नहना है रब का इशारा मानो मुझको बनाया है जैसे ही किसी के लिए. वो कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता. तू हम सफर है फिर क्या फिकर है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए. क्या बात है. वंडरफुल वंडरफुल. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आप दोनों ने एक साथ गाया है ये गाना. यस टोटली. टू गुड यार. टू गुड. लवली. वी वर 104 FM पर सुनते रहिए. मैं हूँ आरजे उर्मिन और आज मेरा साथ निभा रहे हैं हृदय घटानी एंड श्रुति पाठक.